मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही कमलनाथ सरकार की प्रशासनिक सर्जरी शुरू हो गई। राज्य सरकार ने रविवार को 18 और आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। स्पेशल डीजी इंटेलिजेंस संजय राणा की जगह एडीजी कैलाश मकवाना को स्पेशल डीजी इंटेलिजेंस का काम सौंपा गया। और जब से कांग्रेस सरकार बनी तब से अब तक 55 दिनों में 736 अफसरों के तबादले हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी सरकार के समय से प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था ठप जो हो चुकी थी तो उसे सुधार रहा हूं, इसमें बीजेपी के पेट में न जाने क्यों दर्द हो रहा है। पहले बार नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान के किसी राज्य में, यह हर राज्य में होता है, प्रदेश में भी पहली बार हुआ। शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे 3 कार्यकाल में, उनने भी कई बार प्रशासनिक सर्जरियाँ की हैं। वह तो लगातार मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बदलाव करते थे, है ना। या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 15 साल जो उनके मुख्य सचिव थे क्या वही मुख्य सचिव थे, जो उनके डीजी थे क्या वही डीजी पुलिस थे, जो जिलों में कलेक्टर थे क्या वही जिलों के कलेक्टर थे, जो विभिन्न विभागों में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज या सेक्रेटरीज थे क्या वही सेक्रेटरीज थे। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है और मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज जी ने सवाल उठाए, उनकी क्या मंशा है मुझे पता नहीं, पर जो प्रदेश का नेतृत्व करता है उसका विशेषाधिकार है और वो यह तय करता है। जिस ढंग से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का अधिकार है, सरकार का अधिकार है, मैं टिप्पणी नहीं करता कभी भी, लेकिन जिस ढंग से हो रहे हैं और होने के बाद फिर महीने महीने भर में 15 दिन में लोग बदले जा रहे हैं, वो प्रशासन के लिए उचित नहीं है। सबके सब बदल डालूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पद पे थे भाई। आईएएस आईपीएस तो जो सरकार होती है उस सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं, कोई मेरा तेरा नहीं होता। इसलिए बेहतर ये है कि जो जिस पद के योग्य है उसको वहां रखा जाए, लेकिन हम बदल देंगे सबके सब। और सवाल ये भी है कि बदल कौन रहा है, क्या केवल मुख्यमंत्री जी बदल रहे हैं या मुख्यमंत्री के पीछे कोई और सुपर पावर बदल रहा है, बदलवा रहा है। इससे बड़ा प्रशासनिक ऊहापोह मच गई है। निर्णय लिया गया है कि 16 तारीख की कैबिनेट राज्य मंत्रिमंडल की जबलपुर में होगी, तो ये समस्त पूरे महाकौशल अंचल के लिए, विशेष तौर पर संस्कारधानी जबलपुर के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। प्रदेश के महाकौशल अंचल को हमेशा से ये लगता था कि पिछले 20-25-30 वर्षों में जिस प्रकार से विकास के कार्य वहाँ होने चाहिए थे, या मध्य प्रदेश के राजनीतिक नक्शे पर जो विशेष स्थान महाकौशल को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। धन्यवाद देना चाहता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को, जिनने यह निर्णय लिया। हमारे राज्यसभा के सांसद जबलपुर से माननीय विवेक तनखा जी ने भी यह पहल की, हम सब ने भी उसका समर्थन किया और आज उसी फलस्वरूप जबलपुर में अगर कैबिनेट हो रही है तो महाकौशल के लोग और संस्कारधानी जबलपुर के लोग आशान्वित हैं। तो 55 दिनों में 736 अफसरों के तबादले किए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि जबलपुर में पहली बार कैबिनेट बैठक होनी है, इसको लेकर भी तैयारियां शुरू हैं।